Morning children, today I am going to teach you moral science. The chapter is 2 and the story's name is Little George. So this is a story of a little boy whose name was George. He was 6 years old. So let's first do the word meaning chop. Chop means to cut down, yani kisi cheez ko kaat dena. Hug. Hug means to put your arms around someone with love. Means gale lagana. Aise hug karna. Okay? So this is a story about a little boy who was 6 years old. Wo sirf 6 saal ka tha. Aur uska naam George tha. He found an egg one day. Ek din usse ek kulhadi mili. Ye dekh rahe hain? This is called eggs. He picked it up and went into the garden. वो उसको उठाकर गार्डन में चला गया, अपने बगीचे में गया. एंड ही बिगन टू चॉप द स्मॉल प्लांट्स. वो बगीचे में जाकर छोटे छोटे जितने भी प्लांट्स थे उसको काट रहा था. छोटे छोटे प्लांट्स को उससे कुल्हाड़ी से काटता जा रहा था. देन ही सॉ अ ब्यूटीफुल चेरी ट्री. उसके बाद वो बगीचे में चेरी ट्री को देखा. उसने बहुत सुंदर चेरी ट्री था. लाल लाल चेरी फरे हुए थे वहाँ पे, पेड़ में लगे हुए थे. और ये जो पेड़ था, इट वॉज हिज फादर्स फेवरेट ट्री. उसके जो पापा थे उसके ये फेवरेट ट्री था जो उन्होंने प्लांट किया था अपने गार्डन में. अब नॉटी था ये जॉर्ज. जॉर्ज वॉज वेरी नॉटी एंड ही स्टार्टेड टू कट द चेरी ट्री. उस पर फावड़ा जो ये कुल्हाड़ी है इसको मारना स्टार्ट कर दिया. धीरे धीरे जैसे ही वो उस पर कट करता था उसमें कट का निशान हो जाता था, तो वो उसे बहुत खुशी मिलती थी क्योंकि पेड़ धीरे धीरे कटने लगा था. देन ही हिट द ट्री अगेन एंड अगेन. बार बार वो काटने लगा तो पेड़ में बड़ा सा एक कट हो गया. इस तरह से यहाँ पे एक कट हो गया और जॉर्ज बहुत खुश था. नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जब जॉर्ज के फादर आए, व्हेन जॉर्ज फादर केम टू हिज गार्डन ही सॉ दैट देयर इज अ कट इन हिज फेवरेट ट्री. उसने देखा कि यहाँ उसके उनके फेवरेट ट्री के में कोई किसी ने काटा है. और ही वॉज वेरी एंग्री. और फिर वो बहुत गुस्सा हो गया. हु कट माई लवली ट्री. किसने मेरे लवली ट्री को काटा, उन्होंने पूछा. फिर उन्होंने जॉर्ज से पूछा कि क्या तुमने देखा है, क्या तुम काटे हो. जॉर्ज बहुत डर गया था. जॉर्ज वॉज वेरी फ्राइटेंड. उसके बाद उसने कहा पापा से कि फादर आई कांट टेल लाई. मैं झूठ नहीं बोलूंगा क्योंकि मैंने ही उस ट्री को काटा है एक से, यानी कुल्हाड़ी से. तो यहाँ पे जॉर्ज ने झूठ नहीं बोला. डियर सन यू हैव कट माई फेवरेट ट्री. हिज फादर सेड दैट मेरे प्यारे बेटे तुमने काट तो लिया मेरे पेड़ को, लेकिन मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूँ क्योंकि तुमने सच कहा. हिज फादर सेड सैडली दैट आई एम नॉट एंग्री विथ यू. देन ही हग्ड हिज सन. उसके पापा ने उसे हग किया, गले लगाया और कहा कि तुमने सच कहा इसलिए मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूँ. बट हमेशा सच बोलना, कभी डरना नहीं और झूठ नहीं बोलना. और इस तरह से जॉर्ज ने कभी झूठ नहीं बोला. और बाद में यही जॉर्ज जो था वो अमेरिका के प्रेसिडेंट बने, जॉर्ज वाशिंगटन. सो this is a story. It tells about that the good thought of this story is always tell the truth. Hamesha hame sach bolna chahiye, isn't it? Hamesha aapko sach bolna chahiye. Don't be afraid. So read this chapter carefully. Thank you.